और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही एक और खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत करते हैं आज के एक्सपर्ट का हमारे इस शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार को समझ लेते हैं। तो मंगलवार को भी बाजार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 65,600 के पार बंद हुआ। हमने देखा निफ्टी 83 अंक चढ़कर 19,440 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 116 अंक गिरकर 44,750 के करीब आज हुआ बंद। और आइए अब जरा रुक कर लेते हैं आनंद राठी सिक्योरिटी से सिद्धार्थ सिडानी का। सिद्धार्थ, हफ्ते का दूसरा दिन और बाजार में तेजी बरकरार, क्या कहेंगे बाजार के इस चाल पर? गुड इवनिंग स्वाति। तेजी बरकरार है और हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा तेजी दिख रही। निफ्टी की अगर बात करूं तो एक रेंज के और एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि यहां से बहुत बड़ा उछाल दिख रहा है निफ्टी के लेवल्स में। हाँ, छोटा बड़ा करेक्शन जरूर आ सकता है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी मुझे लगता है कि स्पेशली स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी बन सकती है। जैसे फंड बाइंग, अगर रिटेल एचएनआई निवेशकों का बहुत ज्यादा ध्यान, और मैं मानता हूं कि यहां से भी वैल्यूएशन गेम काफी रिलेटिवली सस्ता है कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स। तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप स्पेस पे काफी अच्छा एक उछाल ले सकता है स्मॉल कैप / मिड कैप पे। और कुछ एक सेक्टर्स पे जरूर फोकस करें, जैसे कि ऑटोमोबाइल इत्यादि सेक्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं यहाँ से आने वाले समय के लिए। बिल्कुल, तो रही राय बाजार पर सिद्धार्थ की, आइए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक उनसे रिकमेंडेशंस भी ले लेते हैं। सिद्धार्थ, पोजिशनल व्यू किसी को यहाँ से रखना हो, महीना दो महीना का अगर नजरिया कोई रख रहा है, तो कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे आज? देखिए स्वाति, महीने दो महीने के लिहाज से अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना हो तो एक एफएमसीजी की कंपनी काफी बेहतरीन लग रही है, वो है डाबर। डाबर जिसका क्लोजिंग 578 के करीब देखा गया। स्टॉप लॉस आपको रखना है 565 का और टारगेट आपको रखना है 598 का। डाबर पे खरीदारी की राय एफएमसीजी स्पेस की दिग्गज आयुर्वेदिक ब्रांड प्रोडक्ट्स इनके पास कई है, उनमें से कुछ च्यवनप्राश, एफएमसीजी जूस सेगमेंट में रियल जूस इनकी ब्रांड है। मैं मानता हूं कि जो कमोडिटी के प्राइसेस जो गिरे हैं ये इनके लिए फायदेमंद है, साथ ही साथ रूरल ग्रोथ और डिमांड भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आज अगर मॉनसून की बात करूं तो वाइड स्प्रेड है पूरे भारत वर्ष में, जिसके कारण मैं मानता हूं कि एक रूरल डिमांड जरूर आएगा डाबर के लिए। सेल्स डबलिंग सेल्स हो सकता है एफएनबी साइड में, 4,000 करोड़ की बात कर रहे हैं मैनेजमेंट आने वाले 5 सालों में। और जो बादशाह मसाला जो ब्रांड इन्होंने एक्वायर किया था, ये भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है इनके लिए। 290 बेसिस पॉइंट के इंप्रूवमेंट ऑफ ग्रॉस मार्जिन आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 2 सालों में। डाबर पे खरीदारी की राय, टारगेट आपको रखना है 598 का, स्टॉप लॉस आप रखें 565 का। और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक हॉस्पिटैलिटी की कंपनी, होटेल्स की बिजनेस में लेमन ट्री पे मेरी खरीदारी की राय, टारगेट आपको रखना है 110 रुपए का, 110 का। ब्रांड्स कई है, लेमन ट्री एक ब्रांड है, ओरिका होटेल्स भी इनकी एक वन ऑफ द अच्छी ब्रांड है जो कई सारे शहरों में पाई जाती है। FY23 इनका बेस्ट ऑफ द ईयर देखा गया, जहां पे आय 40% से ज्यादा, मुनाफा 400% से ज्यादा देखा गया, और एवरेज रूम रेट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग 29% से ग्रोथ देखा, ऑक्यूपेंसी रेट 73% के करीब देख रहे हैं। ये साल में यानी FY24 में मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 20% नेट मार्जिन्स हो सकते हैं, 50% प्लस ओवर 20% का रेवेन्यू ग्रोथ, 50% के नेट मार्जिन्स के करीब हो सकते हैं। 60 रूम्स के नए होटल आ रहे हैं राजस्थान में, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से लेमन ट्री पे खरीदारी की राय, 110 का टारगेट लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए लेमन ट्री होटल्स में खरीदारी की राय रख रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। आइए अब दर्शकों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सूरत से पंकज कौशिक से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास पीएनबी है 10,000 शेयर 53 के भाव से, और मैं पूछना चाहता हूँ की इसको कब तक होल्ड करें, मेरे को कहाँ तक रखना चाहिए इसको? अभी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है,
और मेरे पास हाँ पीएनबी है 53@10,000 शेयर 53। ओके पीएनबी में अच्छे मुनाफे पर है ये क्वांटिटी, हालांकि इनकी काफी ज्यादा है, तो पहले पीएनबी पर चर्चा कर लेते हैं। सिद्धार्थ क्या लगता है पीएनबी पर फिलहाल इन्हें मुनाफा तो है पर आगे की स्ट्रैटेजी क्या? देखिए पंकज जी थोड़ा सा मुनाफा बांध लेना चाहिए पीएसयू स्पेस में, हालांकि उछाल अच्छा है बट इसी उछाल का फायदा लेते हुए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें वो बेहतर है, आपके पास क्वांटिटी भी अच्छी है। यही सेम समूह में अगर यही स्पेस में पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आपको रहना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे इस पे बुकिंग करके थोड़ा बहुत आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप पोजीशंस बना सकते हैं। मुझे लगता है कि 650 के लंबे समय के टारगेट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी काफी बेहतरीन विकल्प है पीएसयू बैंक में। ओके तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान पाली से दनाराम लोहार हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? IEX है, वो मैंने 267 के भाव से खरीदे हुए हैं, अभी मुझे लॉस हो रहा है। ओके 123 के भाव से चल रहा है तो क्या करना चाहिए, मुझे बने रहना चाहिए या उससे निकल जाना चाहिए? नुकसान IEX पर, भाव काफी नीचे आ गए हैं इनकी खरीद से। सिद्धार्थ क्या करें IEX पर? देखिए धनाराम जी भी नुकसान तो आपको काफी स्ट्रांग है बट बिजनेस के फंडामेंटल देखते हुए मुझे लगता है कि इनकी जो मोनोपोली स्ट्रेंथ थी इस हिसाब से 2-3 साल पहले की जो बातें चल रही थी वो कहीं ना कहीं कम होती दिख रही है, इरोड होती दिख रही है, इसी के कारण स्टॉक में गिरावट आप देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसमें या अभी निकल जाए या थोड़ा उछाल पे निकल जाए, निकलना पड़ेगा क्योंकि ये नुकसान को बांधना पड़ेगा आपको। और अगर आपको इस नुकसान की भरपाई करनी हो तो लेमन ट्री एक अच्छा विकल्प बन सकता है। यहाँ से होटल का बिजनेस है, पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, काफी अच्छा मिड साइज होटल में काफी बड़ी ब्रांड है, तो लेमन ट्री 110 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर ले और इससे निकलने की सलाह, चाहे आप आज निकले या चाहे आप थोड़े उछाल पे निकले ये आपका कॉल है, बट मैं मानता हूं कि फंडामेंटल्स डिटोरिएट हुए हैं, IEX में बने रहने की सलाह। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिस द फर्स्ट साइलो, द सेकंड साइलो विल रिलेट टू। आइए एक और दर्शक से बात करते हैं, इस वक्त पंजाब बठिंडा से हमारे साथ प्रवीण गौतम साहब है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है, क्या सवाल पूछेंगे? मैम मेरे पास MRF के 4 शेयर हैं जी। उसके बारे में जानना है कि प्राइस में नियर अबाउट 1 लाख पे लिए हैं मैंने, 1 लाख पे मैं। अच्छा ठीक है। एक मैम पावर ग्रिड के शेयर हैं मेरे के पास, 200 शेयर हैं, 263 की प्राइस बाइंग है जी। और एक मैम PCBL के हैं, 1000 शेयर हैं, 161 की बाइंग है। ठीक है, इनके बारे में जानना है। तीनों पर कब तक का व्यू है प्रवीण जी? मैम कब तक रखना चाह रहे हैं आप? मैम सितंबर तक, सितंबर 2023 तक। सितंबर तक का व्यू, बहुत ही शॉर्ट व्यू लेकर ये MRF पावर ग्रिड और PCBL में इन्होंने पैसे लगाए हैं। एक एक करके सिद्धार्थ आपसे आपके व्यू जानेंगे। प्रवीण जी MRF में तो आपको बने रहना चाहिए, PCBL फिलिप कार्बन ब्लैक ये भी अच्छी कंपनी है, बने रह सकते हैं, मार्जिन्स कैसे आते हैं देखेंगे। और तीसरी कौन सी कंपनी थी स्वाति? स्वाति तीसरी कंपनी कौन सी थी? PCBL और पावर ग्रिड सिद्धार्थ। देखिए पावर ग्रिड पे मेरा उतना कोई खास कॉन्फिडेंस है नहीं, आप पावर ग्रिड के बजाय मैं यही कहूंगा कि आप स्विच कर जाए टाटा पावर पे आ जाए, शॉर्ट टर्म में टाटा पावर पे एक जरूर पोजीशन बन सकती है, तो पावर ग्रिड को आप स्विच करके टाटा पावर पे आ सकते हैं। ओके रही राय आपके स्टॉक्स पर और 1-2 दिन के नजरिए के लिए खरीदारी की सलाह क्या रहेगी आपकी सिद्धार्थ? देखिए स्वाति 1-2 दिनों का नजरिया अगर रखे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवल इस पे खरीदारी की राय, क्लोजिंग 925 के करीब का है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 920 का और टारगेट रख सकते हैं 935 का। ये टेक्निकल व्यू है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, वन ऑफ द लीडिंग एल्कोहलिक बेवरेजेस की कंपनी है भारत में, DIGO इसका ग्लोबल लीडर है जो इसका ओन करता है, तो
तो मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पेस पे खरीदारी की राय 935 के टारगेट के लिए। जी तो ये रही इंट्राडे कॉल यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी की सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।